सालिहीन टूर्स एंड ट्रैवल सालों से गुलबर्गा शहर में खिदमत देते आ रहा है। मरहूम जैनुद्दीन साहब, जिन्हें हम जैनुद्दीन चाचा के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस टूर्स में अपनी काफ़ी मेहनत लगाई है। और जनाब अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब, जो इसमें काफ़ी वक्त दिए हैं, इनकी जेर परस्ती में ये जो है स्पेशल टूर चल रहा है सालिहान टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिसका एक उम्रा तरबियती कैंप रखा गया था शादा फंक्शन हॉल में, जहाँ पर वक्त देने के लिए जनाब विखार अशरी साहब, उन्होंने अपना काफ़ी वक्त दे के डिटेल में सारे अरकान को बताया और क्या क्या वहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, किस तरह से आपको उमरा करना है, कहाँ कहाँ पर जियारत करनी है, उस पर उन्होंने तफसीली बयान बताया। इस मौके पर जनाब अब्दुल रहीम साहब, रशीदुद्दीन शहबाज, जो इस ग्रुप के साथ जा रहे हैं और जो जो इस टूर में जाने वाले हैं और आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद रहे और ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। कौम मरहूम व मकबूल अलहाज मोहम्मद जैनुद्दीन साहब शीर्ष फरोश के वर्जन अब्दुल रहीम साहब उस बाबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर ये है काबे का मॉडल, ये है उसका दरवाजा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी ऊंची दीवार है, उसे कहते हैं हतीम, यह है हजरे असवद, यह हजरे असवद और काबे के दरवाजे के दरमियान की ये जगह है मुल्तजिम, यहाँ से शुरू होता है तवाफ, यहाँ से और पूरे 7 चक्कर के बाद यहीं पे तवाफ खत्म होता है। इसका नाम है रुकन शामी, इसका नाम है रुकन यमानी, ये चार, ये इस तरीके से फैलाना दोनों, क्योंकि ऐसा फैलाने से चलने में हमको खुला मिलता है। अगर ऐसा रख के बांधेंगे गिर जाएगा, तो पहले खुला रख के इस तरीके से ये चादर का कोना खींचा, ये इसे खींचे और यहाँ मीरा टेप बना देना, औता मीरा बना देना, ऐसा ये अब सीधे हो गए, या बेल्ट लगा देना, गांठी वगैरह नहीं, समझ में आ रहा। आजकल बहुत सारे सीधा कर रहा, तो इसे नहीं डाल सकते, ये कपड़े को मजबूत होता है, उसे लगा को कहीं भी डालना ये गलत है। लोगों को मसले नहीं मालूम, लोगों को गलत बता रहे अपने ट्रैवल की शान के लिए, ये इसे लगाना, नहीं कहाँ लगाते बेटी, चलो काम नहीं होगा, लगाए लगा के ऊपर से ये मोड़ना, ये मोड़े उसके बाद इसे उतारना, तब बोलना अब यहाँ बेल्ट है आपका है, इसे ऐसा मोड़ना लगे, ये आपका हुआ, ये चादर ऐसा मोड़ लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह अपने बंदों पर ज्यादती नहीं करता, मेहरबान है बड़ा अल्लाह, इस तरीके से आज बराबर भी बेअदबी जहन्नुम में ले जाए, यही है भूले वा जो भी है पाठ पहनो, खूब अतर लगाओ, आंख में सुरमा पहनो। मक्का में है मेहनत, मदीने में कुछ नहीं, मदीने में सिर्फ सरकार का दीदार, दूसरी जाली, तीसरी जाली, तीन जालियां हैं सरकार के घर के, हुजरा बोलते उसे, सरकार के हुजरे के एक बड़ा झरोका है, गोल झरोका गोल है, उसके बाजू एक छोटा है, फिर उसके बाजू और एक छोटा है।
इस तरीके का आपके लिए कोई एहराम नहीं, नियत का नाम एहराम है। शक शलवार पहने ये डाल, ये कटपट्टी के बाल भी अंदर कर देना, ऐसा हिसाब से बांधिए, क्योंकि मुझे बांधने नहीं आता। काबा दुर्गा की तरफ जाइए, निगाहें जमीन पे, निगाहें जमीन पे क्यों? इसलिए कि अल्लाह के माँ दुर्गा ऐसा करते हैं, दोनों हाथ उठाते, ये खिलाफ़ शरा है, खिलाफ़ सुन्नत है, नहीं। सीने के बराबर हाथ होना, नबी ने फरमाया आसानी से लब लगे, लब लगा कर चूमो, आसानी से हाथ लग रहे, हाथ लगा कर हाथ को चूमो, यानी हाथ में छड़ी है, छड़ी को लगा कर चूम लो, हजरत अस्वद ही का चूमना, नहीं इस्तेलाम करो, ये इस्तेलाम, सीने के बराबर हाथ करेंगे हजरत अस्वद की तरफ, बिस्मिल्लाहिल्लाहु अकबर, ऐसा चूम लो, बिस्मिल्लाहिल्लाहु अकबर, हो गया, से यहाँ आना है, क्या बोलेंगे आप? استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي ابھی تو لمبا بولنے نہیں آتا کیا کرتے استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله رائٹ یہاں پہنچے اب یہاں سے پھر واپس آنا ہے آپ کی ایک چکر کمپلیٹ ہو رہی تو یہ دیوار پہ 70,000 فرشتے رہتے ہیں یہ دیوار 70,000 मलाइका, इनका काम ही है सिर्फ आमीन कहना, इनका काम क्या है? आमीन कहना। तो अब वहाँ दुआ करने का हुक्म है, तो क्या करेंगे? रब्बना आतिना फिल दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इसको भी आप साथ रखना जरूरी है, जैसा आप कहाँ भी जा रहे हैं, बस बाजार शॉपिंग वगैरह, पर्स रखते ना भाई अपना, वैसा इसको रखना, छोटा भी बड़ा भी होता है, आप इसको इस तरह साथ रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारा नाम, एड्रेस, सऊदी के भी, इंडिया के भी मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। बरए मेहरबानी इसको हैदराबाद में जब आप डालेंगे, हैदराबाद आकर ही निकालेंगे इसको, आप चाहे तवाफ़ करो,